नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि हम बकरी पालन के साथ साथ अपनी इनकम को और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या वो चीजें हैं जिससे हमारा आमदनी डेली की बढ़ सकती है। तो आज के इस टॉपिक में आप देखेंगे हम लोग मुर्गी पालन के बारे में डिस्कस करेंगे और देसी मुर्गी पालन। और दोस्तों, इस देसी मुर्गी पालन की जो विशेषताएं रहेंगी वो ये हैं कि इसमें कोई खर्च नहीं है, जीरो ग्रेजिंग, जीरो खर्च पे आप इसको पाल सकते हैं। बहुत अच्छे दामों में देसी मुर्गे और मुर्गियों को बेच सकते हैं, अंडों की सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 5 चरणों में पूरी जानकारी दिखाएंगे कि किस तरीके से अंडों को रखा जाता है, कैसे उनसे चूजे बनाए जाते हैं, कैसे वो मुर्गियों में कन्वर्ट होते हैं। इन 5 स्टेजेस में हम एक मशीन का यूज करेंगे, हैचिंग मशीन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक देखिए। काफी लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन उम्मीद करता हूं बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। तो अपन शुरू करते हैं, पहले चरण से शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरीके से अंडों को मशीन में सेते हैं। अब आपका एक सवाल ये रहेगा कि अंडों को मशीन में क्यों सेते हैं, ये तो मुर्गियां भी बैठती हैं उसमें। वो इसलिए करते हैं कि शुरुआती 4 से 5 अंडे जो होते हैं मुर्गियों के, वो खराब हो जाते हैं। मुर्गियां तकरीबन 15 से 20 अंडे देती हैं, जिसमें से 5 अंडे खराब हो गए, मतलब आपका 30 से 40% अंडों का नुकसान हो गया। तो हमने बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स और जो भी विशेषज्ञ हैं उन लोगों से जानकारी ली, और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपको ये अंडे मशीन में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये अंडे हम लोगों ने मशीन में रखे हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक पूरी जानकारी देता हूं। तो आइए देखिए, ये जो है एक हैचिंग मशीन है। हैचिंग मशीन आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें हम अंडे सेते हैं। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं और इत्तेफाक से इसमें 2 चूजे निकले हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो निकले हैं और कैसे इसमें रखे हुए हैं, फिर उन्हें हम कहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये एक हैचिंग मशीन है। इस मशीन का जो नाम है TMNW, ये काफी फेमस है, और इसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा। ये देखिए, TMNW दिख रहा है आपको, और इसमें सारा डिस्प्ले दिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन है इसकी, क्या टेम्परेचर है, कैसा है। तो आइए अपन इसको एक बार इसको खोल के देखें। देखिए, अब आपको इसमें चूजे दिखाई देंगे। दिख जाओ भाई, दिख जाओ। ये देखिए, ये बिल्कुल नए मेहमान आए हैं, अंडे भी फूटे रखे हुए हैं, दिख रहा है आपको ये अंडा। देखिए, हम इस पे जो है अंडों पे तारीख डाल देते हैं। आजा 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 आजा, बड़ा स्वीट सा है ये तो। ये देखिए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये देखिए, आप इस हैचिंग मशीन में से ये 2 छोटे छोटे चूजे निकले हैं। ये चूजे सुबह निकले हैं और अभी तक थोड़ा सा ये सेटल हो गए हैं, मतलब आपको इनको, इन चूजों को एकदम से नहीं निकालना है, इस मशीन में कुछ घंटे रहने दीजिए, जब वो सेटल हो जाएं। ये देखिए कितने स्वीट लग रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए, अब हम इनको लेके चलते हैं फर्स्ट स्टेज, मतलब यहां से निकाल के अब हम इनको सीधा, हम लोगों ने ये टब बनाए हुए, देखिए इन टब में ऑलरेडी कुछ चूजे हैं, इनके साथ हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये गए सीधे अंदर। चलो भाई, चलो 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 चलो, ये गए अंदर। देखिए, ये टब है, ये टब प्लास्टिक के टब है, इस पे हमने ऊपर जाली रखी है, नीचे भूसा डाला है। तो ये दूसरा चरण है, वहां से निकले इसमें आ गए। देखिए, छोटे छोटे से चूजे हैं, ऊपर एक बल्ब लगा हुआ, IR लैम्प, जो इनका इंफ्रारेड लैम्प है। ये देखिए, ये एक टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए, देखिए यहां मैंने अलग रख दिया था, मैं यहां रखता हूं इसको। ये देखिए, इस क्लॉक को, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर क्लॉक को हम इस पर रख देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ टेम्परेचर कितना है। शुरुआत में हमको 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। इसके बाद ये चूजे यहाँ 3 से 4 दिन रहेंगे। अब 3 से 4 दिन के बाद इनको हम दूसरे बॉक्स में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, अब आपको ये एक सेकंड बॉक्स दिखेगा। ये देखिए, इसमें ये चूजे 1 हफ्ते के हो चुके हैं। ये देखिए, इनका साइज बड़ा दिख रहा है आपको, मस्त हो गए एकदम। ए चलो चल के दिखाओ। ये देखिए यार, ये चूजे हैं, ये सेकंड स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है। अब इसके बाद, और हाँ, इसमें आपने देखा होगा दाना और पानी रखा हुआ है प्रॉपर। ये देखिए, यहां इनको दाना देना पड़ता है शुरुआत में। इसके बाद हम चलते हैं और
आपको अब ये दिखाएंगे कि इसके बाद तीसरा चरण कौन सा है। मतलब हमने एक ना बिल्कुल देसी जुगाड़ से एक पिंजरा बनाया हुआ है, लकड़ी का पिंजरा है वो, लकड़ी और जाली का। उस पिंजरे को हम इस्तेमाल करते हैं इन चूजों के लिए। ये देखिए बिल्कुल देसी पिंजरा है ये। इस पिंजरे में हम चूजे रखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरफ हमने रखे हुए हैं, इसको हमने भूसे के कमरे में रखा है ताकि थोड़ी सी गर्माहट रहे। ये देखिए ये चूजे एक हफ्ते से ज्यादा के हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए ओए चलो आ, ये देखिए। अब इसमें ये चूजे लगभग 8 से 10 दिन इसमें रहेंगे। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, थोड़े पटोरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो जिनकी उम्र लगभग अपन 1 महीना मान लेते हैं, 1 महीने की जब उनकी उम्र हो जाएगी तो उनको अपन 4th-5th सेक्शन में हम शिफ्ट करेंगे। 3 सेक्शन उसके अंदर थे, चरण चौथा चरण ये है, 5वां चरण हमारा मुर्गी के बाड़े में है। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं मुर्गी के बाड़े की तरफ। तो दोस्तों देखिए अब हम आ गए हैं हमारे मुर्गियों के शेड की तरफ। अब आप लोग इस शेड को देख रहे होंगे, ये लगभग 15x20 का शेड है और इस शेड को हमने बनाया है। बहुत पिंजरे इसमें रखे हुए हैं, इसमें जालियां लगी हुई हैं, इसमें दरवाजा है, प्रॉपर शेड है। चूंकि आपको रखरखाव अच्छा करना है, आपको इन्हें शिकारियों से बचाना है, नहीं तो क्या होगा, हम इतनी मेहनत करेंगे और कुत्ता मजे ले जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, सांप आ जाएगा, शिकारी बहुत हैं, क्योंकि भोजन श्रृंखला में बहुत नीचे आती हैं मुर्गियाँ। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक 15x20 का शेड है, इस शेड को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसमें कैसे हम मुर्गियों को रखते हैं, हैचिंग कराते हैं, सब दिखाता हूँ। आइए चलो 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 आइए देखिए। ये देखिए ऐसी मुर्गियां हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये मुर्गे महाराज बांग दे रहे हैं, ये देखिए। और इसी में नेचुरल हैचिंग भी चल रही है, मतलब कुदरती रूप से किस तरीके से मुर्गियां बैठती हैं अंडे पे। देखिए जैसे एक ट्रे ये रखी हुई है यहाँ पर, है ना, इसमें भी अंडे देती हैं मुर्गियां, ये दिख रहे हैं आपको अंडे। अब ये मुर्गी थोड़ी देर के लिए उठी है, दाना पानी खाएगी और फिर इस पे बैठ जाएगी, है ना। इसके बाद आप और दिखाता हूं मैं आपको अंदर, ये देखिए ये हमने टब लगा रखे हैं इस तरीके से, ये टबों में बैठी है। ये देखिए ये आपको अंडे दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए कितने सारे अंडे, मतलब लगभग 5 और 5, 10, 15, 20, 25 अंडे हैं इसमें, 22 अंडे, है ना। तो ये मुर्गियां इस तरीके से अंडों की देखभाल कर रही हैं, जगह जगह आपको ये सब बिठा रखे हैं और इसमें नेचुरल हैचिंग चल रही है। अब बात आती है शुरुआती जो अंडे हैं 4 से 5, वो हम केवल हैचिंग मशीन में डाल रहे हैं, क्योंकि वो क्या प्रॉब्लम है कि वो जो शुरू के 5 अंडे हैं वो सबसे पहले निकल आएंगे उसमें से चूजे, और वो चूजे क्या होगा, मुर्गी उठेगी नहीं क्योंकि बाकी अंडे भी हैं, तो वो दब जाते हैं, दबने से उनकी मृत्यु हो जाती है या इतने लंबे समय तक वो अंडे खराब हो जाते हैं। दोनों केस में मतलब अपने को नुकसान है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें वो 5 या 6 अंडे बचाने हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए। और एक चीज देखिए, अभी यहाँ एक और काम चल रहा है, हम लोगों ने वो जो चूजे आपको दिखाए थे उन चूजों को अब हम यहाँ रखने का प्लान बना रहे हैं। ये अभी वेल्डर काम कर रहा है, अभी ये वीडियो बनाना था इसलिए थोड़ी देर के लिए रोका था हमें। तो वो क्या करेगा, वो इनको यहाँ पर एक सेक्शन बना रहा है, 1, 2, 3, 4 सेक्शन, और इसमें यहाँ गेट लगेंगे ये इस तरीके से, ये गेट लग जाएगा। और ऐसा ही एक इसके ऑपोजिट में, यानी इसके दूसरी तरफ डायरेक्शन में हम शेड बनाएंगे, ये सेक्शन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें तकरीबन 50 से 100 चूजे इस तरफ, 100 चूजे मतलब इतनी सी जगह में, 15x20 की जगह में आप 100 चूजे बहुत आसानी से पाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप कम जगह में आप इसको पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब बात आती है, मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि ये 0 खर्चे में, मतलब कोई खर्च नहीं है उसमें पलते हैं। कैसे पलते हैं वो मैं दिखाता हूँ। आपके पास बकरियां रहेंगी, बकरियों का जो दाना बचता है वेस्ट जो उनके खनौतों में, ये देखिए हमने पूरा उनका भूसा और इसी में दाना भी है, ये देखिए इसमें मक्का और ये दाना मिक्स है इसमें। अब ये चूजे और ये मुर्गियां जो है इसी में से ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, तो एक तो इनका कुदरती आहार भी हो गया, और जो बच जाता है अगर दाना अगर हाथ में आ रहा है तो वो थोड़ा बहुत हमने ये बना रखे हैं इनके फीडर, इसमें डाल देते हैं। ये देखिए चुनी चापड़, ये इन्हीं का वेस्ट बचा हुआ है, जो खराब मक्का है, वेस्ट है जिसमें कीड़े लग गए हैं, जिन्हें हम
नहीं खिला सकते बकरियों को, वो आप मुर्गियों को खिलाइए। ये सब खा लेती हैं और इनकी ग्रोथ भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है। वो जो चूजे हम लेके आते हैं वहां से, उन्हें हम यहाँ छोड़ते हैं। ये देखिए, ये इनके पानी के ये ड्रिंकर लगा रखे हैं, इसमें भी देखिए भूसा और वो ये सब डाल रखा है हमने, वो नीचे से चुप चुप के खाते रहते हैं। अरे देखिए कितने सारे इकट्ठे हो गए। चलो भाई फोटो खिंचवाओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, ये देखिए एकदम सभी स्वस्थ हैं। और दूसरी बात, इसमें मृत्यु दर को हम 0%, मतलब एक भी चूजा नहीं मरता, हम इस तरीके से इसको मेंटेन कर रहे हैं। अन्यथा क्या होता है कि इसमें देसी मुर्गी पालन में मृत्यु दर कई बार बढ़ जाती है। उन्हें कुछ नहीं करना है, हमें बाहर से कोई चूजा नहीं लेके आना। और हमने ये जो शुरुआत करी थी, सिर्फ दो मुर्गी और एक मुर्गे से हमने सन 2012-13 में शुरुआत करी थी। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप इस काम को शुरू करें, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर करें, क्योंकि टेस्टिंग जरूरी है। एकदम से लाएंगे, इतने सारे बच्चे होंगे, चूजे होंगे, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। पहले मैनेज करना सीखिए, पहले आप व्यवस्था बनाइए, साइज संख्या अपने आप बढ़ता जाएगा इनका। इतने तेजी से ये चूजे होते हैं, देखिए कितनी संख्या है। और दोस्तों इसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत आसान है। देसी मुर्गों के लिए जो ग्राहक है वो स्वयं आपको ढूंढता हुआ आएगा, और बहुत अच्छे दाम में हम यहाँ पे मुर्गियों को बेच सकते हैं। अभी भी आप देखिए हमारे पास सिर्फ ब्रीडिंग के लिए केवल दो मुर्गे बचे हैं, बाकी सारे मुर्गे सेल हो गए। तो ये हालत है, अभी ये सब तैयार होंगे, इसके बाद ये बेच जाएंगे। पीछे से अगली पौध तैयार हो रही है, वो आ जाएगी। हम तो मतलब 800 रुपये से 1200 और कई बार 1500 रुपये तक के मुर्गे को आप बहुत आसानी से अपने शहर में बेच सकते हैं और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।